रच दिया इतिहास विविन डी सेना की सेना ने। भाई इतना ज्यादा आप लोग प्यार करती हैं विविन को, तो दिखाई क्यों नहीं देता है? मेरे चैनल पे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों तक जो है विविन की हर एक बात जो है मैं पहुंचाती हूँ, हालांकि दूसरे लोग भी पहुंचाते होंगे, बट जो चीज़ें रियल रहती है, जिस सेंटिमेंट से आप लोग देखते हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, उसी तरीके से जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और आई होप कि आप लोगों के दिलों तक जो है मैं अपनी बातें करके, अपने गॉसिप करके जो है जगह ज़रूर बना चुकी हूँ। विविन के फैंस से पूछती हूं मैं ये बात, तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप लोग। तो गाइज, हर साल जो है जब भी बिग बॉस चलता है, बिग बॉस में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट रहते हैं जिनके टैग्स, हैशटैग्स जो है वो चलते रहते हैं। और अब जो है ये थोड़ी चीज़ें कम हो चुकी हैं, पर अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले जो टैग्स और हैशटैग्स चलते थे एवरी वीक जो है चला करते थे, और वो 1 मिलियन 24 आवर में, इवन 3-3 घंटे में, 4-4 घंटे में 1-1 मिलियन जो है वो मैंने क्रॉस होते हुए देखा है। हर एक घंटे में जो है उसके ऊपर वीडियो जो है मैंने खुद बनाई है कि आप लोगों ने क्या कमाल कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि कमाल इस बार नहीं किया है, विवियन की जो जनता है उन्होंने भी काफी बड़ा वाला कमाल किया है। विवियन का एक टैग चल रहा था, जनता का लाडला विवियन, जनता का लाडला विवियन जो है ये टैग चल रहा था, तो ये अब जो है 1 मिलियन हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशन आप सब लोगों को कि आप लोगों ने जो है ये पहला बिग बॉस 18 का जो टैग है, विवियन के ऊपर जो टैग बनाया गया है, वो 1 मिलियन कर दिया है। अब से पहले कुछ करणवीर का भी चला है, कुछ कुछ चले हैं, छोटे छोटे टैग्स जो है वो चले हैं, बट वो इतने नहीं गए हैं। तो ये इतिहास जो है वो विवियन की सेना ने जो है वो रच दिया है। तो इस सीजन का पहला टैग यही रहेगा, जनता का लाडला विवियन। अगर कोई भी बिग बॉस 18 के पहले टैग के बारे में बात करेगा तो इस टैग का जिक्र जो है वो डेफिनेटली होगा। तो भाई ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है, पर उसी के साथ साथ अगर इसकी इंगेजमेंट की बात करें तो इसकी इंगेजमेंट जो है 1.2 मिलियन जो है वो आई है, जो कि काफी ज्यादा कमाल है। और तो और अगर सेंटीमेंट्स की बात करें कि भाई कितने लोग जो हैं जो इस टैग में पॉजिटिव बातें कर रही हैं, और कितने लोग हैं जो कि इस टैग में जो है नेगेटिव बातें कर रही हैं। देखिए, नेगेटिव बातें करने वाले भी होते हैं, टैग में हिस्सा लेते हैं, गालियां देते हैं, विविन के फैंस को गालियां देते हैं, विविन को गालियां देते हैं, मेकर्स को गालियां देते हैं, और भी काफी सारी चीजें जो है वो करते हैं। अगर उसका हम लोग एक हिस्सा करें तो पॉजिटिव का हिस्सा जो है वो ज्यादा बनता है, 36.8%, और अगर नेगेटिव के हिस्से की बात करें, सेंटीमेंट्स के हिस्से की बात करें, तो 9.3% जो है बनता है। तो इतने से बस कम ही लोग हैं जो कि नेगेटिव बात कर रही हैं, पर ये इतना ज्यादा रीच कराया है लोगों ने विवियन का ये टैग, जनता का लाडला विवियन, वो पॉजिटिव बातें ही करके जो है ये 1 मिलियन हुआ है। और अगर पोटेंशियल रीच की बात करें कि भाई ये जो टैग है और इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ये कहां तक जा सकता है अगर आप कोशिश करें। देखिए, 1 मिलियन तो हो गया है, अगर आप कोशिश करें तो आपकी कोशिश कर करके आखिरकार कितना कुआं भर सकता है, कितना पानी आप लोग भर सकते हैं, कितना इस टैग को और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, तो ये पॉजिटिव बातें तो आप लोगों को बताना बनती ही है। तो अगर आप कोशिश करें, ठीक है, तो इस टैग को जो है 139.3 मिलियन तक आप लेके जा सकते हैं। बट भाई एक बात है, आज तक इतना टैग कोई आगे बढ़ा नहीं है, आज तक कभी इतना कोई टैग आगे नहीं बढ़ा है कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो चला जाए। बट हाँ, एक बात है कि अगर आप चाहे तो इसको 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी करना चाहें आप कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप इस टैग को और भी कितना ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर कंग्रेचुलेशन विवियन की सेना को कि उन लोगों ने जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये इतिहास बनाया है। जब भी बिग बॉस 18 के पहले टैग की बात होगी तो वो टैग होगा जनता का लाडला विवियन, जो 1 मिलियन गया था। तो ये एक इतिहास रचा गया है। तो कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।